मरकजी हुकूमत वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश कर चुकी है। इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। एनडीए और अपोजिशन इत्तेहाद एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए मरकजी हुकूमत को निशाने पर लिया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि जिनका एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है वो लोग वक्फ बोर्ड के कानून बना रहे हैं। जिस रूलिंग पार्टी का न राज्यसभा में एक भी मुसलमान सांसद हो न लोकसभा में एक भी मुसलमान सांसद हो, वो वक्फ बोर्ड पे नियम बनाएंगे बिना किसी से चर्चा किए, तो ये कैसे संभव होगा? पवन खेड़ा यहीं तक नहीं रुके और कहा कि एनडीए को उनके साथ ही चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इसकी मुखालफत की है। फिर उनसे जाकर पूछिए कि वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी को ये सलाह दूंगा कि वो मुख्तार अब्बास नकवी जी से पूछ लें कि क्या वो इस बिल के हक में हैं या फिर मुखालफत में। उनको इसका जवाब मिल जाएगा। एनडीए के अपने अलाइज, वो नायडू जी हों, वो चिराग पासवान हों, सबने विरोध किया है, तो उनसे पूछिए क्या विरोध है। हम तो यह आपसे सलाह करेंगे कि आप जरा मुख्तार अब्बास नकवी से भी पूछ लीजिए कि क्या वो उसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं। हुकूमत चाहती तो ये बिल दोनों सदनों में पास करा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद अचानक माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बिल को जेपीसी को भेजने का ऐलान कर दिया और फिर इसके बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। पर असल सवाल ये उठता है कि क्या अपोजिशन की मुखालफत के आगे हुकूमत ने हार मान ली या जेपीसी को भेजने के पीछे भी बीजेपी की कोई पॉलिसी है। दरअसल हुकूमत चाहती है वक्फ बिल पर और ज्यादा बहस हो, क्योंकि जितनी बहस होगी लोग बीजेपी के हक में ज्यादा पोलराइज्ड होंगे। बीजेपी चाहती है कि इस बिल की अच्छाइयां आम आवाम तक पहुंचे। जेपीसी की जब जब मीटिंग्स होंगी इस बिल का मीडिया ट्रायल होगा। बिल की छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। इस तरह जितनी चर्चा होगी उतना ही बीजेपी के पास मौका होगा कि वो आम आवाम से बीजेपी को सपोर्ट करने को कहे। दूसरी बात, इस बिल को लेकर खूब हिंदू मुसलमान भी होगा, खासकर कांग्रेस जो पहले इस बिल की मुखालफत नहीं करना चाहती थी उसे भी हिंदुओं के बीच पार्टी खलनायक साबित कर सकेगी। सीएए की मुखालफत न करके कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका ही नहीं दिया था, पर इस बार कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। उसे अपने सांसदों के दबाव में आना पड़ गया है। बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाहती है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।